हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सो चलिए शुरू करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, देखिए गाइस, यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस गिवेन है जिनकी वैल्यू R1, R2, R3 है, जिसमें से I करंट फ्लो हो रहा है। अगर तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस टोटल वोल्टेज V हो तो बाकी रेजिस्टेंस के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V1 होगा R1 के अक्रॉस, V2 होगा R2 के क्रॉस और V3 होगा R3 के क्रॉस। सो हम लोग कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। देन V को क्या लिख सकते हैं, V I बराबर I बाई RAB इज इक्वल टू V1 को क्या लिख सकते हैं, I बाई R1, V2 को I बाई R2 और V3 को I बाई R3। गाइस यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि V इज इक्वल टू IR होता है। देन अब इसको इसमें से कॉमन अगर I निकाल दें तो 1/RAB इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा सीरीज के केस में। तो सो हम लोग ये कह सकते हैं कि RAB इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो गाइज, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।